चंद्रपुर जिले में कोरोना संक्रमित रुग्णों की संख्या में लगातार बढ़त हो रही है और अभी मिली जानकारी के अनुसार दोपहर 4:30 बजे तक कोरोना संक्रमित रुग्णों की संख्या 218 हो चुकी है और आरोग्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज दोपहर 4:30 बजे तक 5 कोरोना के संक्रमित रुग्णों के संबंध में और जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें चंद्रपुर जिले के तहसील तथा ग्रामीण भागों के नागरिकों का समावेश है। इसमें नागबीड़ तहसील के तेलीमंडा इस गांव के एक 49 वर्षीय CRPF दल के जवान का भी समावेश है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कार्यरत यह जवान चंद्रपुर में 12 जुलाई को पहुंचा और यहां आने पर उसे होम क्वारंटाइन किया गया था। 14 जुलाई को उसका स्वैब लिया गया और उसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। वह ब्रह्मपुरी शहर के विद्यानगर परिसर की रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती जो गोरेगांव मुंबई से यहां पर वापस आई थी और मुंबई से आने के बाद उसे संस्थात्मक क्वारंटाइन किया गया था। 14 तारीख को उसका स्वैब लिया गया था और 16 जुलाई को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वनपुरी के एक 33 वर्षीय फैक्ट्री में काम करने वाला जो बिहार से रेलवे से वापस आया था, आने के बाद उसे संस्थात्मक क्वारंटाइन किया गया था। 13 तारीख को उसका स्वैब लिया गया था और उसकी रिपोर्ट भी अब पॉजिटिव आई है। वहीं हैदराबाद के एक बिस्किट कंपनी में काम करने वाली 26 वर्षीय युवक के स्वैब की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हैदराबाद से 30 जून को आने के बाद 2 बार उसकी जांच की गई थी और दूसरी जांच उसकी पॉजिटिव आई है। मानिकगढ़ सीमेंट में काम करने वाले एक अभियंता की स्वैब की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नोएडा से रेलवे द्वारा और 14 जुलाई को मानिकगढ़ में आने के बाद उसे संस्थात्मक क्वारंटाइन किया गया था और उसकी भी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। और इसके साथ ही गुरुवार दिनांक 16 जुलाई को दोपहर 4:30 बजे तक संक्रमित रुग्णों की संख्या 218 हो चुकी है, जिसमें से 120 कोरोना मुक्त हो चुके हैं तथा उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और वर्तमान में एक्टिव रुग्णों की संख्या 98 है, जिसमें से 17 व्यक्ति जिले के बाहर के हैं, जिसमें SRPF दल के 11 जवान तथा 6 अन्य राज्य के निवासी हैं और सभी एक्टिव रुग्णों की प्रकृति स्थिर है। CTV न्यूज के खबर के इस अंत में हम यही कहेंगे, चंद्रपुर जिले में कोरोना के रुग्ण लगातार बढ़ रहे हैं, नागरिकों ने सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जिला प्रशासन के प्रत्येक निर्णय को अमल में लाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकले। स्वास्थ्य संबंधी अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो इसकी तुरंत जांच संबंधित स्वास्थ्य विभाग से करें, यही समय की मांग है।